हेलो दोस्तों, मैं यश और भूल भुलैया 2 का ट्रेलर आ चुका है जो कि मुझे इतना खास नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि इस मूवी में है कार्तिक आर्यन एज अक्षय कुमार, मतलब अक्षय कुमार का रिप्लेसमेंट कार्तिक आर्यन से कर दिया गया है। तो चलिए इस ट्रेलर को डिटेल में समझते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कार्तिक आर्यन का रिप्लेसमेंट हो गया है अक्षय कुमार के साथ, मतलब कि अक्षय कुमार जो हमें भूल भुलैया 1 में दिखे थे इतना अच्छा रोल करते हुए और इतना फनी कैरेक्टर था उनका, जिसकी वजह से सब लोग भूल भुलैया 2 का वेट कर रहे थे कि भाई अक्षय कुमार की एक्टिंग इसमें भी देखनी है मुझे। तो मगर टी सीरीज वालों ने हमारा जो काटा है और उसकी जगह कार्तिक आर्यन को भेज दिया है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कार्तिक आर्यन में बिल्कुल टैलेंट नहीं है, एकदम टैलेंटलेस स्टार है वो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो भी अच्छी खासी एक्टिंग कर लेता है। मगर बॉलीवुड में अक्षय कुमार की एक्टिंग लेवल को टक्कर देने के लिए शायद ही बहुत कम लोग हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई, ये भूल भुलैया 2 नहीं है बल्कि भूल भुलैया का ही रीमेक है, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी वैसा ही डाल दिया गया है। और तो और मंजुलिका का रोल इसमें भी आ गया है, मतलब कि इसमें मंजुलिका का रोल कर रही है कियारा आडवाणी। अब भाई इस शक्ल वाली को एज अ भूत कौन एक्सेप्ट करेगा, बताओ जरा, आप कर पाओगे? नहीं ना, मुझे भी पता है, क्योंकि भाई इतनी भोली शक्ल भूत में जचेगी नहीं यार। जबकि भूल भुलैया में रोल किया था विद्या बालन ने और वो इतना अच्छा उस पर रोल सूट हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि भाई अगर ये ना होती मूवी में तब तो शायद मूवी देखने में मजा ही नहीं आता यार, क्योंकि विद्या बालन भी इज ऑल्सो ए ग्रेट एक्टर। और भाई मुझे तो अब पूरा यकीन हो गया है कि बॉलीवुड खत्म है, मतलब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये वाली मूवी भी हीरोपंती 2 की तरह पूरी पिटने वाली है। मेरे ख्याल से ये मूवी तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही बनाया जा रहा है, क्योंकि भाई भूल भुलैया की हाइप देखकर ये लोग पैसा कमाना ही चाहेंगे ऑब्वियसली। मुझे तो बस इस मूवी का वेट है कि हेरा फेरी 3 कब आएगी और ये लोग उसकी कैसे वाट लगाने वाले हैं, मुझे तो बस इस चीज की देरी है। तो भाई बॉलीवुड होने वाला है खत्म एकदम से और टॉलीवुड शायद नया एरा बनने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड तो भाई हो गया। आप लोग को भी दिख ही रहा होगा कैसी फालतू मूवी रिलीज कर रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। मगर एक तरफ टॉलीवुड को देखा जाए तो वहाँ एक से एक मूवीज रिलीज हो रही है जो एक्शन में भी बॉलीवुड से कई ज्यादा अच्छी है, स्टोरी लाइन में तो भाई बहुत ही अच्छी है और एक्टिंग में तो भाई 1000 गुना अच्छी है। और भाई बॉलीवुड वालों को रीमेक करने से फुर्सत मिली तब ना, मेरे को तो लगता है ये भी भूल भुलैया का रीमेक होने वाला है। और अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि भूल भुलैया भी एक पहले की मूवी का रीमेक ही था, मगर वो किसी को पता नहीं चला क्योंकि उसमें एक्टिंग इतनी अच्छी करी गई थी। और भाई मेरे ख्याल से तो कार्तिक आर्यन ने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करी है, मगर उस पर ये रोल ही सूट नहीं हो रहा है यार। जब रोल ही एक्टर पर सूट नहीं होगा तो पिक्चर क्या घंटा अच्छी बनेगी? वही पुरानी भूल भुलैया के डायलॉग्स। ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं इतना नेगेटिव क्यों जा रहा हूँ इस मूवी के लिए, क्योंकि भाई मुझे इतना गुस्सा आया इस मूवी के ऊपर जब इन्होंने अक्षय कुमार को ही हटा दिया। और मैं सिर्फ ये खुन्नस नहीं निकाल रहा हूँ, मैं फैक्ट्स भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए मैं इसके खाली नेगेटिव पॉइंट्स बता रहा हूँ। और भाई आप लोग को भी पता लग ही गया होगा कि आजकल लोग खाली फनी होने के लिए बिग बॉस का रोस्ट करते रहते हैं, और तो और इस मूवी में भी यही किया गया है। तो अच्छा हो तो बिग बॉस में चलो जाए तो कम से कम वहाँ पे बेइज्जती के पैसे तो मिले। ओवरयूज जोक हो गया बिग बॉस। और भाई सलमान खान पर तो ये लोग जोक नहीं कर सकते क्योंकि सलमान खान इनकी बैंड बजा के ना रख दे। भूल भुलैया मूवी कॉमेडी हॉरर मूवी थी और ये वाली भूल भुलैया 2 मिस्ट्री हॉरर मूवी होने वाली है। चलो भाई कम से कम राजपाल यादव तो हमें दिखने मिल गए इस मूवी में, अगर यार ये नहीं होते ना तो भाई मैं सच्ची मूवी देखने जाऊंगा ही नहीं कभी, और ना ही ये मूवी देखूंगा अगर ये नहीं होते इस मूवी में। तो ट्रेलर में तो हमें परेश रावल शायद दिखे नहीं, मगर मूवी में होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जब हम गूगल पे डालेंगे कि कास्ट ऑफ भूल भुलैया 2 तब हमें कियारा आडवाणी, कार्तिक आर्यन, राजपाल यादव, टब्बू और परेश रावल दिखेंगे और संजय मिश्रा भी दिखने वाले हैं। और मेरे ख्याल से इन लोग ने ट्रेलर में ही थोड़ा एडल्ट टाइप का सीन डाल दिया, मतलब एक किसिंग सीन इस ट्रेलर में भी था, तो मेरे ख्याल से मूवी में भी होने वाला है ये सब। तो यही तो डिफरेंस है साउथ की मूवी और बॉलीवुड की मूवी में। साउथ की मूवी एकदम क्लीन होती है और बॉलीवुड में तो भाई यही सब चलता रहता है, क्या बोले ने? और शायद हरे राम वाला जो सॉन्ग था उस सॉन्ग को भी ये लोग रीमेक करने वाले हैं। और भाई सेम टू सेम सीन जो हमने भूल भुलैया मूवी में देखा है। वही सेम सीन हमें इस ट्रेलर में भी दिखाया जा रहा है, मतलब क्या यार, ये जब हमने पहले ही देख लिया है इसका रीमेक क्यों बना रहे हो फिर से? वो भी हिंदी में थी, ये भी हिंदी में, क्या खाली भूत की और गंदी शक्ल बना दी VFX वो सब डाल के, बस उतना ही है क्या इसमें? तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में ये बता सकते हैं कि क्या आप मूवी देखने जाने वाले हैं थिएटर्स के अंदर, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये मूवी इतनी ज्यादा डिजर्विंग है। तो अगर आप इस मूवी को एक ट्राई देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि इसकी स्टोरी लाइन अच्छी है, खाली
कैरेक्टर्स थोड़े वीक हैं, बाकी कोई बात नहीं, आगे अगर और गाने या फिर ट्रेलर या फिर ऐसा कुछ आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वो बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ही मत भूलना यार। तो चलिए दोस्तों अब मैं निकलता हूँ, आप लोग के लिए मूवी सजेशन वाली वीडियोस भी तो लानी है। तो गुड बाय, जय हिंद।